तो फाइनली गाइस हमारे गेम के अंदर मिलिट्री बेस आ चुका है और मैं अपने गेम के अंदर मिलिट्री बेस को भी ले भी लिया है। तो आप लोग अपने गेम के अंदर गाइस मिलिट्री बेस को कैसे ले सकते हैं और आप लोग को मिलिट्री बेस कहां पे देखने को मिलेगा, चलो मैं आप लोग को बताता हूँ। उससे पहले गाइस आप लोग ये देख लो गाइस, मैं अपने गेम के अंदर बस को भी ले लिया और बस काफी ज्यादा ऑसम लग रही है। आप लोग अपने गेम के अंदर गाइस बस को कैसे ले सकते हो और बस का क्या चीज को नंबर है, चलो मैं आप लोग को बताता हूँ। और गाइस आप लोग ये देख लो गाइस, मैं अपने गेम के अंदर निशान जीटीआर कार को भी ले लिया है। तो आप लोग अपने गेम के अंदर गाइस निशान जीटीआर कार को कैसे ले सकते हो और इसे आप लोग कौन सी चीज को नंबर से स्पॉन करा सकते हो, चलो मैं आप लोग को बताता हूँ। और गाइस आप लोग काफी ज्यादा कमेंट कर रहे हो कि भाई इस बार के अपडेट के अंदर न्यू मेगा रैम देखने को मिलेगा। गाइस मैं आप लोग को ये भी बताने वाला हूँ कि गाइस इस बार के अपडेट के अंदर आप लोग को न्यू मेगा रैम देखने को मिलेगा फिर नहीं। और गाइस आप सभी के लिए एक बैड न्यूज आया है और एक गुड न्यूज आया है, तो मैं आप लोगों को गाइस बैड न्यूज और साथ ही गुड न्यूज दोनों बताऊंगा। और साथ में गाइस मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा गाइस इंडियन एम्पायर का ड्रैगन थ्रेड गेम का आने वाला अपडेट आप लोगों को कब देखने को मिलेगा। तो आप लोग गाइस वीडियो का अंत तक जरूर देखना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। गाइस आप लोग अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं करा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ ही आप लोग बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि आप लोग को इंडियन एम्पायर का ड्रैगन थ्रेड गेम का न्यू अपडेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। एंड अगर गाइस आप लोग वीडियो के अंदर सपोर्ट लेना चाहते हो तो आप लोग मेंबर सपोर्ट को जाकर ज्वाइन करो, नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को सपोर्ट दिया जाएगा। और गाइस आप लोग अभी तक मेरे को इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो नहीं कराए तो उसका भी लिंक हमारे वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, आप लोग जाके फॉलो कर लेना क्योंकि वहाँ पे आप लोग न्यू अपडेट से रिलेटेड मेरे को भी क्वेश्चन पूछ सकते हो और मैं उसका जवाब 100% दूंगा, तो आप लोग जाके फॉलो जरूर कर लेना। और गाइस इस वीडियो का 6K लाइक का टारगेट है तो आप लोग 6K लाइक जरूर कंप्लीट करवा देना। तो चलो गाइस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। गाइस मैं आप लोग को सबसे पहले बताऊंगा आप लोग अपने गेम के अंदर मिलिट्री बेस को कैसे ले सकते हो और मिलिट्री बेस आप लोग को कहां पे देखने को मिलेगा, चलो मैं आप लोग को इसका लोकेशन बता देता हूं। तो मिलिट्री बेस वाले लोकेशन पे जाने के लिए गाइस आप लोग को यहां पे केसी व्हीकल्स को स्पॉन करा लेना है। तो चलो गाइस मैं न्यू अपडेट में आने वाले न्यू पल्सर बाइक को स्पॉन कर लेता हूं। आप लोग किसी अदर व्हीकल्स को भी स्पॉन करा सकते हो और जिस तरह से गाइस मैं जाऊंगा उस तरह से आप लोगों को भी जाना है, तो आप लोग मिलिट्री बेस के लोकेशन पे पहुंच जाओ। और हां गाइस आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, नहीं तो गाइस आप लोग मिलिट्री बेस के लोकेशन पे नहीं पहुंच पाओगे। आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना गाइस। तो आप लोग को हाउस से बाहर निकलना है और आप लोग को गाइस पुलिस स्टेशन वाले रोड की तरफ चलना है। तो आप लोग देख सकते हो हम लोग पुलिस स्टेशन वाले रोड पे आ चुके हैं। एंड आप लोग को क्या करना है गाइस, तो आप लोग को ये जो एयरपोर्ट का जो जाली देखने को मिलता है इसको गाइस आप लोग क्रॉस करना है। और जैसे गाइस आप लोग इसको क्रॉस करते हो तो सामने गाइस आप लोग को इसके बगल में जो आप लोग को रोड देखने को मिलता है और रोड के बगल में जो आप लोग को ग्रीन कलर का खाली सा आप लोग को फील्ड देखने को मिलता है उसमें गाइस आप लोग को यहाँ पे मिलिट्री बेस देखने को मिलेगा। आप लोग देख सकते हो गाइस हम लोग यहाँ पे मिलिट्री बेस के लोकेशन पे पहुंच चुके हैं। मिलिट्री बेस आप लोग को कैसा देखने को मिलेगा वो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो गाइस आप लोग को एयरपोर्ट के बगल में मिलिट्री बेस छोटा सा देखने को मिलता है और यहाँ पे गाइस आप लोग को कैंप भी देखने को मिलता है और साथ ही गाइस यहाँ पे आप लोग को मिलिट्री वाले भी देखने को मिलते हैं। एंड अगर आप लोग मिलिट्री बेस को भरा करवाना चाहते हो तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं डेवलपर को बोल के मिलिट्री बेस को भरा भी करवा दूंगा। तो आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरह से गाइस आप लोग को मिलिट्री देखने को मिलेगा और यहाँ पे आप लोग को आर्मी टैंक भी देखने को मिलता है। सामने से कुछ इस तरह से गाइस आप लोग को मिलिट्री बेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोग को बॉडीगार्ड भी देखने को मिलता है इसके गेट के पास और साथ ही यहाँ पे आप लोग को बड़ा सा कैंप भी देखने को मिलता है और काफी सारे आप लोग को यहाँ पे मशीन वगैरह भी देखने को मिल जाते हैं। तो चलो गाइस मैं आप लोग को मिलिट्री बेस के अंदर लेके चलता हूँ। तो मिलिट्री बेस के अंदर कुछ इस तरह से आप लोग को देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोग गाइस मिलिट्री मैन भी दिख रहा होगा एंड मैं आप लोग को साइड से भी गाइस यहाँ पे मिलिट्री बेस को दिखा देता हूँ। तो साइड से गाइस कुछ इस तरह से आप लोग को मिलिट्री बेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो काफी ज्यादा तार वगैरह लगे हुए हैं। यहाँ पे गाइस आप लोग बोरिया का बंडल देख सकते हो और गाइस यहाँ पे आप लोग को टावर भी देखने को मिलता है। यार मिलिट्री बेस में टावर देखने को ना मिले ये तो इम्पोसिबल है। आप लोग को आर्मी टावर के ऊपर गाइस मिलिट्री वाला भी दिख रहा होगा। कुछ इस तरह से गाइस आप लोग गेम के अंदर मिलिट्री बेस देखने को मिलने वाले हैं। इसके लिए गाइस आप लोग को हमारे वीडियो को नीचे अधिक से अधिक कमेंट करना होगा। अगर आप लोग मिलिट्री बेस को ऐड करने के लिए अधिक से कमेंट कर दोगे तो डेवलपर हमारे गेम के अंदर मिलिट्री बेस को ऐड कर देंगे एंड आप लोग गेम के अंदर मिलिट्री बेस देखने को मिल जाएगा। वैसे आप लोग कमेंट तो कर रहे हो मिलिट्री बेस के लिए, तो और भी आप लोग ज्यादा कमेंट करो और मैं कम्युनिटी पोल भी डाल दूंगा मिलिट्री बेस के लिए, तो उसमें आप लोग अधिक से अधिक वोटिंग कंप्लीट करवा देना ताकि आप लोग को आने वाले अपडेट के अंदर ही मिलिट्री बेस देखने को मिल जाए। एंड अभी जो मैंने आप लोग को मिलिट्री बेस दिखाया है गाइस वो स्मॉल वाली है। कौन सी साइज में आप लोग मिलिट्री बेस को ऐड करवाना चाहते हो आप लोग हमें कमेंट करके बता देना। अगर आप लोग विग टाइप का मिलिट्री बेस ऐड करवाना चाहते हो तो उसका कमेंट कर देना, तो हमारे गेम के अंदर विग टाइप का आप लोग को मिलिट्री बेस देखने को मिलेगा। अगर आप लोग मीडियम टाइप वाला मिलिट्री बेस लेना चाहते हो तो उसका आप लोग कमेंट कर देना, तो आप लोग गेम के अंदर गाइस मीडियम टाइप वाला मिलिट्री बेस देखने को मिल जाएगा। जिस भी टाइप का आप लोग मिलिट्री बेस गेम के अंदर ऐड करवाना चाहते हो आप लोग कमेंट करके बता देना। गाइस मैं मिलिट्री बेस के लिए कम्युनिटी पोल डालूंगा तो उसमें आप लोग अधिक से अधिक वोटिंग जरूर कम्प्लीट करवाना। अब मैं आप लोग को बताऊंगा आप लोग अपने गेम के अंदर बस को कैसे ले सकते हो और बस का चीट कोड नंबर क्या है। बस को स्पॉन करने के लिए गाइस आप लोग को डायल करना होगा 4602
2 कौन सी गेम के अंदर गाइस आप लोग 4602 डायल करके बस को स्पॉन करा सकते हो। चलो मैं आप लोग को बताता हूं। तो अगर आप लोग इंडियन कार बाइक ड्राइवर GTA गेम के अंदर 4602 डायल करोगे तो गाइस आप लोग गेम के अंदर बस स्पॉन हो जाए। गेम के अंदर गाइस जी वैगन देखने को मिलता है, एलिफेंट देखने को मिलता है, निसान GTR देखने को मिलता है, BMW भी मिलता है। तो उन सभी का मैं आप लोग को चीट कोड नंबर बता दूंगा। तो इस गेम के अंदर गाइस अगर आप लोग डायल करते हो 4502 तो इस गेम के अंदर गाइस आप लोग को एलिफेंट देखने को मिल जाएगा। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एलिफेंट स्पॉन हो चुका है। अगर इस गेम के अंदर गाइस 2023 डायल करूँ तो इस गेम के अंदर गाइस आप लोग को जी वैगन देखने को मिलेगा। आप लोग देख सकते हो जी वैगन स्पॉन हो चुका है। मैं आप लोग को लायन का भी चीट कोड नंबर देता हूँ। तो उसके लिए गाइस आप लोग को डायल करना होगा 4501 एंड इस गेम के अंदर आप लोग को लायन देखने को मिल जाएगा। अगर आप लोग इस गेम के अंदर निशान GTR कार को स्पॉन कराना चाहते हो तो उसके लिए गाइस आप लोग को डायल करना होगा 2022 से 2022 डायल करोगे तो इस गेम के अंदर गाइस आप लोग को निशान GTR कार देखने को मिल जाएगी। एंड अगर आप लोग BMW कार को स्पॉन करना चाहते हो तो उसके लिए आप लोग 2021 डायल कर देना एंड आप लोग गेम के अंदर गाइस BMW कार देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा गाइस इस गेम के अंदर आप लोग को और भी एनिमल देखने को मिलता है, जैसे जेबरा देखने को मिलता है, कैमल देखने को मिलता है, हिप्पो देखने को मिलता है। तो उसका भी चीट कोड नंबर 4503 डायल करोगे तो इस गेम के अंदर गाइस आप लोग को जेबरा देखने को मिल जाएगा। एंड अगर आप लोग इस गेम के अंदर गाइस डायल करते हो 4504 तो इस गेम के अंदर गाइस आप लोग को रियानो देखने को मिलेगा। और अगर इस गेम के अंदर गाइस आप लोग हिप्पो को स्पॉन कराना चाहते हो तो उसका भी चीट कोड नंबर गाइस उससे पहले मैं आप लोगों को कैमल का चीट कोड नंबर देता हूं। तो कैमल को स्पॉन कराने के लिए डायल करना होगा 4506 एंड इस गेम के अंदर आप लोगों को कैमल देखने को मिलेगा। अगर इस गेम के अंदर आप लोग हिप्पो को स्पॉन कराना चाहते हो गाइस आप लोगों को 4505 डायल करना होगा एंड इस गेम के अंदर आप लोगों को हिप्पो देखने को मिल जाएगी। आप लोगों को बताओ आप लोग एम्बुलेंस को कौन सी चीट कोड नंबर से स्पॉन करा सकते हो और बस को कौन सी चीट कोड नंबर से स्पॉन करा सकते हो। तो एम्बुलेंस का चीट कोड नंबर मैं अपने सेकंड चैनल पे आप लोगों को बता दूंगा, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में पिन देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग जाके सब्सक्राइब कर लेना, उस पे आप लोगों को एम्बुलेंस का चीट कोड नंबर मिल जाएगा। तो गाइस अगर आप लोग 4602 डायल करोगे तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे बस स्पॉन हो चुका है। सेकंड चैनल पे जो वीडियो डालूंगा उसके अंदर मैं आप लोगों को एम्बुलेंस का भी चीट कोड नंबर बताऊंगा, क्योंकि इस गेम के अंदर आप लोगों को एम्बुलेंस भी देखने को मिलता है। गेम के अंदर गाइस कुछ इस तरह से आप लोगों को बस देखने को मिलेगा और मैं आप लोगों को बस का चीट कोड नंबर भी बता दिया हूं। तो चलो गाइस अब मैं आप लोगों को बस को ड्राइव करके दिखा देता हूं। हम लोग गाइस बस के अंदर बैठ चुके हैं, चलो अब हम लोग बस को ड्राइव करेंगे। बस के अंदर बैठते ही गाइस कुछ इस तरह से आप लोगों को व्यू एंगल देखने को मिलेगा, काफी ज्यादा ऑसम लग रही है बस आप लोग देख सकते हो। अगर आप लोग गाइस एम्बुलेंस का चीट कोड नंबर जानना है, इसके अलावा गाइस इस गेम के अंदर गाइस और भी काफी सारे एनिमल आ रहे हैं और इस गेम का अपडेट कब आएगा, तो इन सभी का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमारे सेकंड चैनल पे आएगा। तो सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो, डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग जाकर सब्सक्राइब कर लेना। और इंडियन कार बाइक ड्राइवर GTA भी गेम के अंदर कुछ इस तरह से आप लोग को बस देखने को मिल जाता है। हमारे गेम के अंदर भी गाइस आप लोग को जल्द ही बस देखने को मिलेगा। आप लोग 12 डायल करते हो, 12 डायल करते हो तो आप लोग गेम के अंदर गाइस वनलेट ट्रक स्पॉन होता है। लेकिन आप लोग अपने गेम के अंदर गाइस 0 12 डायल करते हो तो गाइस आप लोग गेम के अंदर ट्रक के साथ ट्रॉली भी स्पॉन होता है। तो गाइस हमारे गेम के अंदर जो आप लोग को वनलेट ट्रक देखने को मिलता है उसको रिमूव कर दिया जाएगा और उसके जगह पे गाइस आप लोग को इंडियन ट्रक या फिर गाइस आप लोग को बस देखने को मिल सकता है। लेकिन ये इस बार की अपडेट के अंदर रिमूव नहीं होगा, ये आने वाले अपडेट के अंदर फ्यूचर में रिमूव करा जाएगा। आप लोग बस का अधिक से अधिक कमेंट करते रहो ताकि हमारे गेम के अंदर जो ट्रक मिलता है उसको रिमूव कर दिया जाएगा और उसकी जगह पे आप लोग को बस देखने को मिल जाए। जैसे हमारे गेम के अंदर बस ऐड हो जाएगा तो मैं आप लोग को बस का गेम प्ले भी दिखा दूंगा और साथ में चीट कोड नंबर भी बता दूंगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि जैसे मैं बस का चीट कोड नंबर डालूंगा तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप लोग को बताऊंगा आप लोग अपने गेम के अंदर निशान GTR का को कैसे ले सकते हो और इसका चीट कोड नंबर क्या है। उससे पहले गाइस मैं आप लोगों को निशान GTR का इंटीरियर दिखा देता हूं, क्योंकि आप लोगों ने काफी ज्यादा कमेंट करा कि भाई निशान GTR का इंटीरियर दिखाओ। गाइस हमारे गेम के अंदर जो आप लोगों को निशान GTR का देखने को मिलता है उसका इंटीरियर कुछ इस तरह से आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। निशान GTR का इंटीरियर आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। गाइस अब बात कर लेते हैं गाइस आप लोग निशान GTR का कौन से चीट कोड नंबर से स्पॉन करा सकते हो। तो गाइस मैं आप लोगों को कल वाले वीडियो के अंदर बता दिया हूं कि गाइस हमारे गेम के अंदर निशान GTR का क्या चीट कोड नंबर होने वाला है। उस वीडियो में मैं आप लोगों को बता दिया कि किस टाइप का आप लोगों को निशान GTR का चीट कोड नंबर मिलने वाला है, तो वो वीडियो को आप लोग जाके देख लेना। एंड वो वीडियो देखने के बाद आप लोगों को पता चलेगा कि हमारे गेम के अंदर निशान GTR का चीट कोड नंबर किस टाइप का होने वाला है। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहां से आप लोग जाके वॉच कर सकते हो। तो अब मैं आप लोग को बताऊंगा इस बार की अपडेट के अंदर आप लोग को न्यू मेगा रैम देखने को मिलेगा फिर नहीं। गाइस न्यू मेगा रैम के लिए तो कमेंट आ रहा है बट अभी न्यू मेगा रैम कंफर्म नहीं हुआ है। अगर गाइस न्यू मेगा रैम कंफर्म होगा तो मैं आप लोग को वीडियो बना के जरूर बताऊंगा। एंड गेम के अंदर आप लोग को किस टाइप का मेगा रैम चाहिए वो भी आप लोग मेरे को कमेंट करके बता देना। एंड जिस भी टाइप का मेगा रैम ऐड करने के लिए सबसे ज्यादा कमेंट रहेगा वो मेगा रैम आप लोग गेम के अंदर देखने को मिल जाएगी। अब मैं गाइस आप लोग गुड न्यूज और बैड न्यूज बता देता हूँ। उससे पहले गाइस मैं आप लोग को बताऊंगा इस बार की अपडेट के अंदर आप लोग को क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी। तो इस बार के अपडेट के अंदर गाइस आप लोग को निशान GTR कार देखने को मिलेगा, ZX Terra बाइक का न्यू मॉडल देखने को मिलेगा, साथ ही आप लोग को KG बाइक और पुलिस बाइक में से दोनों कोई एक बाइक देखने को मिलेगा। इसके अलावा गाइस आप लोग को KTM RC 390 देखने को मिलेगा। इसके अलावा गाइस हमारे गेम के अंदर आप लोग को ऑटो रिसा
करेक्टर दोनों में से कोई एक देखने को मिलेगा। साथ साथ गाइस इस बार की अपडेट के अंदर आप लोगों को आरजी स्टूल में बड़ा सा फीचर मिलने वाला है और वो फीचर हमारे गेम के अंदर ऐड हो जाएगा, उसके बाद डेवलपर रिवील करेंगे। तो जैसे आरजी स्टूल के अंदर वो फीचर ऐड हो जाएगा तो मैं आप लोगों को वीडियो बना के बता दूंगा। इसके अलावा गाइस इस बार की अपडेट के अंदर आप लोगों को फ्लाइंग डायनो भी देखने को मिल सकता है। मैं गाइस आप लोग गुड न्यूज बताता हूँ और साथ ही बैड न्यूज बताता हूँ। बैड न्यूज यह है कि गाइस मैंने आप लोग कुछ दिन पहले एक वीडियो बना के बताया था जिसमें मैंने आप लोग को ऑल आर्मी व्हीकल्स दिखाया था और मैं आप लोगों से पूछा था गाइस इनमें से कोई आप लोगों को एक ही देखने को मिलेगा। लेकिन गाइस अब आप लोगों को इनमें से कोई भी व्हीकल्स देखने को नहीं मिलेगा। जो हमारे गेम के अंदर आर्मी व्हीकल्स आने वाली थी उसको कैंसिल कर दिया गया है। एंड आप लोग यहाँ पे डेवलपर का चार्ट देख सकते हो, मैंने बोला कि ऑल आर्मी व्हीकल्स में से कौन सी ऐड करोगे सर, डेवलपर का रिप्लाई आता है कैंसिल। एंड कैंसिल क्यों हुआ है उसका भी मैं आप लोगों को रीजन बता दिया हूं। गाइस डेवलपर ने सारे आर्मी व्हीकल्स को तो परचेस कर लिया बट गाइस जब हमारे गेम के अंदर ऐड करा गया सारे बग्स वगैरह आने लगे, इसलिए गाइस डेवलपर ने उसे जल्दी से गेम के अंदर से रिमूव कर दिया। आर्मी व्हीकल्स के जगह पे गाइस आप लोगों को ट्रैक्टर और ऑटो रिक्शा शायद दोनों देखने को मिल सकता है। तो आप सबके लिए प्लस पॉइंट है, मैं कन्फर्म बता दूंगा कि आप लोगों को दोनों देखने को मिल सकता है या फिर नहीं, यानी कि आप लोगों को ट्रैक्टर और ऑटो रिक्शा दोनों एक साथ देखने को मिल सकता है या फिर नहीं। कन्फर्म हो के मैं आप लोग कल परसों वाले वीडियो के अंदर बता दूंगा। मैं गाइस आप लोगों को गुड न्यूज देता हूं। तो गाइस गुड न्यूज ये है, हमारे गेम के अंदर जो जेड एक्स नाबाई का न्यू मॉडल ऐड होने वाला था वो फाइनली हमारे गेम के अंदर ऐड हो चुका है और उसका पिक्स आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। तो कल हो सकता है तो मैं आप लोगों को जेड एक्स नाबाई का न्यू मॉडल का गेम प्ले भी दिखा दूं। कल गाइस आप लोग रेडी रहना, कल आप लोगों को जेड एक्स नाबाई के न्यू मॉडल का गेम प्ले देखने को मिल सकता है और भी हमारे गेम के अंदर काफी सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। और गेम की अपडेट की बात करें तो आप लोगों को इस मॉन्ट के एंड तक गेम का अपडेट शायद देखने को मिल सकता है। वैसे गेम के अंदर काफी सारी चीजें ऐड करनी है तो उसमें टाइम भी लग सकता है। अगर वर्क पहले कंप्लीट हो गया तो आप लोग को अपडेट भी पहले देखने को मिल जाएगा। और गाइस इस बार की अपडेट के अंदर आप लोग क्या क्या चीजें ऐड करवाना चाहते हो आप लोग कमेंट करके बता दो। जो भी चीजें ऐड करने के लिए बोलोगे मैं डेवलपर को बोल के ऐड करवा दूंगा। तो आप लोग जो भी चीजें ऐड करवाना चाहते हो आप लोग हमें कमेंट करके बता देना और गेम का जो अपडेट है गाइस वो आप लोग को जल्दी देखने को मिल जाएगा। तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए लव यू, टाटा, बाय बाय।